हाय गाइस, आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि हम जब कोई काम करते हैं, पानी में हाथ देते हैं, तो हमारी जो उंगलियां हैं इसमें सिलवटें क्यों पड़ जाती हैं? इसका रीजन ये है कि जब हम पानी में हाथ देते हैं तो वो हमारे बहुत काम की चीज होती है। जब हम कोई भी चीज पकड़ने जाते हैं तो वो ग्रिप का काम करता है, जैसे स्लिप ना हो इसके लिए वो हाथों में सिलवटें बन जाती है। क्या आपको पता है कि कुछ सिचुएशंस में हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? इसका रीजन ये है कि हमारे बॉडी में एडलाइन नाम का एक हार्मोन है जो काफी मात्रा में रिलीज होता है, इसकी वजह से वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ सिचुएशन होते हैं जैसे कि डरावनी मूवी हम देख रहे हैं, या तेज ड्राइव कर रहे हैं, या फिर हम डर गए हैं किसी चीज से, तो उस टाइम में क्या होता है, ये हार्मोन काफी मात्रा में रिलीज हो जाता है, इसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे उंगलियों के नाखून पे व्हाइट कलर के निशान क्यों हो जाते हैं? इसका रीजन है आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। हमारे बॉडी और माइंड का कनेक्शन बहुत ही गहरा है। जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो ये निशान के द्वारा पता चल जाता है कि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है। क्या आपको पता है कि हमारे जैसे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, वैसे ही हमारी जो जुबान होती है उसके भी जो लाइनिंग होते हैं बिल्कुल ही दूसरों से यूनिक होती है, मिलती जुलती नहीं होती है। और आने वाले टाइम में पता नहीं कब हम लोग जैसे फिंगरप्रिंट्स की मदद से मोबाइल को ऑन ऑफ कर लेते हैं, जुबान की मदद से करें। और इंसान के ब्रेन का पार्ट 70% वाटर से बना होता है। यही रीजन है कि जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारे ब्रेन में पेन, मतलब सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और 70% बॉडी का भी जो पार्ट है वो वाटर से ही बना हुआ है। हमारे जो नाक और कान हैं उम्र के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, यही रीजन है जिसकी वजह से इंसान बढ़ती उम्र के साथ उनका फेस चेहरा बदलता जाता है।